हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन निकोड़े, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एनसीसी के मोटो के बारे में जानेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक को ध्यान से देखिएगा। तो अब जानेंगे हम मोटो क्या होता है। मोटो का मीनिंग होता है आदर्श वाक्य या ब्रीद वाक्य, जिसे कहा जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक मोटो होता है, देखिएगा। जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा। ये मान लीजिएगा, ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, यहाँ पे उसका नीचे के साइड में उसका मोटो होता है। मान लीजिएगा, जैसे कि ये इंडियन मिलिट्री का लोगो है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का। तो उसका जो आदर्श वाक्य है, उसका जो मोटो है, वो है वीरता और विवेक। देखिए, इस तरह से नीचे लिखा होता है। और अगर दूसरा अगर एग्जाम्पल लिया जाए, तो यह समझिए कि ये आपके कॉलेज का लोगो है और आपके कॉलेज के लोगों के नीचे इस तरह से आपके कॉलेज का मोटो दिखाई देगा। ये किसी भी हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मोटो होता है। समझ लिए, समझ में आ रहा है आपको? ये मोटो जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब कि एक बेस है, इस बेस के ऊपर ये बिल्डिंग खड़ी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप एक घर बनाते हो, जब आप मकान बनाते हो, तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है? बेस। अगर आपका बेस मजबूत होगा, बेस अगर अच्छा होता है, तो मकान भी पक्का होता है। तो उसी तरह से ये बेस है। पूरा खेल उस ऑर्गेनाइजेशन का, पूरा जो खेल होता है, वो उसके बेस पे, उसके मोटो पे डिपेंड होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ओके, तो आज हम जानेंगे एनसीसी के मोटो के बारे में। तो एनसीसी का मोटो क्या है? वेरी गुड, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ओके, तो यूनिटी और डिसिप्लिन क्या है? वेरी गुड, एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी और डिसिप्लिन क्या है? एकता और अनुशासन। ये नहीं होता है। अगर आपको कभी किसी वर्ड्स का अगर मीनिंग पूछा जाए ना, तो उसका मीनिंग बताइए ना, कि आप उसको ट्रांसलेट की भाषा में बोलेंगे। अगर मैंने बोला एकता और अनुशासन क्या है, तो आप बोलेंगे यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इस तरह से नहीं होता है। तो आप जानेंगे कि एकता और अनुशासन इतना इंपॉर्टेंट है, जो एनसीसी किसके अधीन आती है? एनसीसी किसके अधीन आती है? एनसीसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। और रक्षा मंत्रालय के अधीन आने के बाद क्या इतने बड़े एनसीसी ने क्या ये सिर्फ दो वर्ड्स को अपना मोटो बनाया? तो क्यों बनाया है दो वर्ड्स को? क्या इतने इंपॉर्टेंट है ये दो वर्ड्स? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब पहले जानेंगे हम एकता के बारे में। एकता का मतलब एकता कपूर नहीं, और एकता का मतलब वो गोलमाल में की एकता नहीं। हाँ, मजाक कर रहा था। आइए, एकता का मतलब होता है यूनिटी, एक दूसरे के साथ मिलके रहना। तो एक एग्जांपल दूंगा, ये देखिएगा, मैंने इस तरह से एक भारत का मैप बनाया है, नक्शा बनाया है। हमारे भारत में कई भाषाएं हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी, भोजपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, बहुत से भाषाएं। और हमारे देश में बहुत से धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, बहुत से धर्म हैं। और देखिएगा, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारे देश में बहुत से जातियां हैं, जाति, जैसे कि एसटी, ओबीसी, एनटी, विजय एनटी, एसबीसी, बहुत से यार ओपन तक। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी आज हमारा देश एक है। किसके वजह से एक है? इस एकता के वजह से एक है। अगर हमारे देश में आज एकता नहीं होती, यूनिटी नहीं होती, तो हमारे देश क्या है ना, इस तरह से 10 टुकड़े गिरे होते। ये पता नहीं चलता ये कौन सा भारत है, ये पता नहीं चलता कौन सा भारत है। इस तरह से भारत को है ना 10
दस अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता था हमारा, हमें पता नहीं चलता था कि भारत इतना बड़ा देश 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। ये सब एकता का कमाल है, हमारे देश में यूनिटी है, इसलिए हमारा पूरा देश आज एक है। और एक इसके एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप सभी को एक राज की बात बताऊं, हमारे ऊपर 150 साल तक अंग्रेजों ने राज किया था, ये पता है आपको? हाँ, ये तो आपको सभी को पता है, लेकिन उसका रीजन पता है कि अंग्रेजों ने 150 साल तक हमारे ऊपर राज क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा, तो भी एक साल नहीं, दो साल नहीं, तकरीबन 150 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया, तो उसका रीजन एक ही है, ये वर्ड से उसका रीजन, क्योंकि तब हमारे इसमें यूनिटी नहीं थी, इसलिए अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। ये रीजन है। इस वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आ रहा है? इतनी पावर होती है इस एकता में। तो इस जितने भी एग्जांपल्स मैंने दिए उसका मीनिंग यही होता है, उसको बताने का मेरा जो अर्थ है यही है कि आप अपने सोसाइटी में, आप अपने कॉलेज में, आप अपने स्कूल में, आपके बटालियन में, आपके यूनिट में जब आप रहते हो, तभी आप सभी के साथ मिलजुल कर रहना, ना कि कभी झगड़ा करना आपस में। अगर आप आपस में झगड़ा करोगे तो यूनिटी नहीं रहेगी, यूनिटी खत्म हो जाएगी। आप सभी को सबके साथ मिलके रहना है, तो हमें हमेशा एकता को बनाए रखना है, ना कि हमें कभी आपस में झगड़ा करना है, और हमें सभी को साथ लेके चलना है, तभी हमारा देश यूनिटी में रहेगा, एकता में एकता बनाए रहेगी हमारे देश में। ठीक है, और एग्जांपल दूंगा, देखिएगा, एक लाठी है, इस लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर यही 10 लाठियों का एक बंडल होगा तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता। यही एकता का एग्जांपल है। अब समझ में आपको एकता का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिलके रहना। तो अब जानेंगे हम डिसिप्लिन के बारे में, अनुशासन। क्या अनुशासन इतना बड़ा वर्ड्स है? हाँ, बहुत बड़ा वर्ड्स है। तो अनु और शासन, ये जो अनुशासन वर्ड्स है ना, वो अनु प्लस शासन से बना है। अनु का मतलब होता है अनुसार, और शासन का मतलब होता है व्यवस्था या नियम। इसको समझिएगा, जो अनुशासन जो वर्ड्स बना है वो अनु और शासन से बना हुआ है, और अनु का मतलब होता है अनुसार, और शासन का मतलब जो होता है वो होता है व्यवस्था। जो भी व्यवस्था हमारे समाज ने हमें बना के दी है, उस नियम को, उस व्यवस्था को हमें अनुसरण करना, उसी को ही अनुशासन कहते हैं। आप समझ लो, जो भी व्यवस्था हमारे समाज ने हमें बना के दी है, यदि हम उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो उसे अनुशासन कहा जाता है। कि जैसे कि अब समाज एग्जांपल दूंगा, एक देखिएगा, ये है रोड, एक रोड है, समाज ने एक नियम बनाया है कि हमें रोड के बाएं साइड से चलना है, तो हमें फिर कौन से साइड से चलना पड़ेगा? बाएं साइड से। अगर आप दाहिने साइड से चलोगे तो आप उस व्यवस्था को, उस नियम को तोड़ रहे हो। अब जब भी आप उस व्यवस्था को तोड़ते हो ना, तब है ना भूचाल आ जाता है, उस जो व्यवस्था होती है वो पूरी बिगड़ जाती है, फिर सभी लोग ऐसा करने लगेंगे ना, तो पूरा बिगड़ जाएगा। आइए दूसरा एग्जांपल देता हूं। अनुशासन जो है ना, वो इंसान के पर्सनालिटी को दर्शाता है। आपको पता है अनुशासन जो है ना, वो इंसान के पर्सनालिटी को दर्शाता है। तो कैसे दर्शाता है, अभी बताएंगे। देखिए, जिस तरह हमारी मदर जब खाना बना रही होती है, वो जब चावल पकाती है, तभी वो चावल में से सिर्फ एक ही चावल का टुकड़ा हाथ में पकड़ के उसको प्रेस करती है, वो चेक करके देखती है कि पूरा चावल पका है या नहीं पका है। उसको पूरे चावल को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो चावल के एक टुकड़े से पहचान लेती है कि चावल पका है या नहीं पका है। उसी तरह से इंसान
उस व्यक्ति का अनुशासन देख के ही पहचान लेता है कि वह जिंदगी में कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता है, क्या वह लाइफ में आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है अनुशासन में रहना। मान लीजिएगा आपका एक 10 कैडेट का एक ट्रूप है और आप फाइल में लगे हो, किसी ने आपको फाइल में से एक कैडेट को बाहर बुला के उसको सावधान विश्राम में ऑर्डर दिया, तो एक कैडेट के वजह से एक कैडेट की जो अनुशासन है ना वो पहचान जाएगा कि ये 10 का भी जो ट्रूप है कैसा है। एक का वो देखेगा और एक के इससे ही वो एक का अनुशासन देखेगा, फिर उसको 10 का भी अनुशासन पता चल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट है अनुशासन हमारे लाइफ में। और अनुशासन का मतलब असल में होता क्या है? तो अनुशासन का मतलब होता है कोई भी बात बिगड़े उससे पहले की सतर्कता, कोई भी बात बिगड़े उससे पहले की सतर्कता को अनुशासन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल दूंगा। आपको पता है कि परेड पे हम जब भी जाते हैं तभी हमें शेविंग करके जाना होता है। अब हम ऐसे तो दाढ़ी बढ़ा के तो नहीं जा सकते ना, हमें पता है अगर हम दाढ़ी बना के जाएंगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं बना के जाएंगे, शेविंग करके नहीं जाएंगे तो हमें तो रगड़ा मिलना ही है। तो हमें पहले से ही पता है हम अगर शेविंग करके नहीं जाएंगे तो हमें रगड़ा मिलने वाला है। तो भी हम अगर ऐसे ही चले गए नहीं शेविंग करके गए तो रगड़ा तो मिलेगा ही। फिर अगर हम अनुशासन में जाते हैं, मतलब शेविंग पहले ही करके जाते हैं, कोई बात बिगड़े उससे पहले की सतर्कता को अनुशासन कहते हैं। अब मानिएगा एक रोड का और एक एग्जांपल दूंगा। वही भी आपको पता है कि रोड से जब भी हम रोड से जाते हैं गुजरते हैं या रोड से बाइक चलाते हैं तभी हेलमेट पहनना जरूरी है। आपको पता है उसका अंजाम क्या हो सकता है? जब भी आपका एक्सीडेंट होगा तो आपका सर फट सकता है। तो फिर तो भी हम नहीं जाते हैं तो क्या हम अनुशासन में है? अनुशासन में नहीं है। अनुशासन का मतलब होता है कि कोई भी घटना घटने से पहले हमें पता होता है तो उसको हम सुधार ले पहले से ही, उसका मतलब होता है अनुशासन। आई होप कि दोस्तों वीडियो में दी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इसी वीडियो को अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिएगा, आपके दोस्त के व्हाट्सएप ग्रुप को, फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां भी हो सके वहां पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चले कि एनसीसी का जो मोटो है वो एकता और अनुशासन क्यों रखा है। हमें पता नहीं होता एकता और अनुशासन क्या है, हम सीधा बोलते हैं कि किसी ने पूछा कि एनसीसी का मोटो क्या है, एकता और अनुशासन, और एकता और अनुशासन क्या है पता ही नहीं होता है। तो इसके ऊपर ही ये जो है ना वो पूरा मेन बेस है, पूरा बिल्डिंग का है, एनसीसी का पूरा बेस है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, तब तक आप एनसीसी में आप सिर्फ ऐसे ही कर दोगे 3 साल एनसीसी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस समझिए इन वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। जब आप लाइक करते हो तब मुझे समझ में आता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आप तक पहुंच रहा है, आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों आपका कीमती समय निकालकर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।